नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं द वर्सेटाइल यू। अभी हम लोग थोड़ा टूर पे निकले हुए हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं हम लोग। तो अब आगे हम वीडियो में आप लोगों को बताते हैं आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं व्यू इधर का। हम लोग अभी माइथन डैम में हैं, माइथन डैम के पास। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं माइथन डैम, बहुत दिनों के बाद आज सारे दोस्त इकट्ठा हुए हैं। अचानक से प्लान बना था आज हम लोग का यहाँ पे इस डैम पे आने का। तो हम लोग अभी फिलहाल माइथन डैम के पीछे में हैं। आप पीछे यहाँ नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का पीछे पहाड़ है, वहाँ पे पत्थरें तोड़ी जाती है और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। उस तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, उस साइड का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। ये मेरा पहला आज लाइव वीडियो वाला ब्लॉग है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से जरूर। कोई कंजूसी नहीं होने चाहिए भाई लोग, कर दो एकदम सब्सक्राइब। यहाँ पे देखिए पहाड़ है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सक रहे हैं। अभी हम लोग इस पहाड़ के ऊपर जाने वाले हैं। यहाँ आसपास तो पूरा जंगल ही है, देखिए। अभी हम लोग फिर ऊपर में जाके आप लोग को व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये जैसा कि पहाड़ आप लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पहाड़ पे ही जा रहे हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं ऊपर। यहाँ पे भाई बोर्ड लगी हुई है फायरिंग रेंज की, यहाँ पे डायनामाइट हो सकते हैं लगाए हुए। पत्थर यहाँ से तोड़ा जाता है, सो हम लोग अभी ऊपर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे लोग मना कर रहे थे जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ फायरिंग रेंज है, पहाड़े यहाँ बंगला में भी लिखा हुआ है, नाम चढ़नी लिखा हुआ है। हाँ, यही पहाड़े उठा निषिद्ध। अच्छे देखिए यहाँ पे बेकार का जब लिखा हुआ है यहाँ पे, सो हम लोग नहीं चढ़ रहे हैं ऊपर में। यहाँ पे पत्थर तोड़ा जाता है डायनामाइट से, सो हम लोग इतना अभी आधा दूर तक तो आ ही चुके हैं पहाड़ के ऊपर। अब बाकी हम लोग यहीं से आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि डायनामाइट से तोड़े गए हैं। देखिए यहाँ से पत्थर की काट छाट होती है, तोड़ कर ले जाया जाता है यहाँ से पत्थर को। फिर भी थोड़ा रिस्क ले रहे हैं ऊपर चढ़कर आप लोगों के लिए। हाँ, ये काफी डेंजर लग रहा है, पहाड़ चढ़ने में भी रिस्क है काफी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ चुके हैं पहाड़ में काफी। तो हमारे साथ हमारे रिंकू भैया हैं। कैसा लग रहा है आपको इतना ऊपर चढ़ के? बहुत ही टायरिंग फील हो रहा है, पहाड़ का स्लोपिंग बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से मैं आपको अच्छा, फिर भी हम लोग रिस्क लेकर के अपने बलबूते पर यहाँ तक चढ़े हैं और आगे का पता नहीं है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि नीचे में दो दो नोटिस लगा हुआ है ऊपर चढ़ना मना है। फिर भी आप लोगों को व्यू देने के लिए हम लोग एक रिस्क लिए हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो हम लोग कैमरे को स्विच करते हैं, आप लोगों को ऊपर से नीचे दिखाते हैं कैसा व्यू है नीचे का। हम लोग यहाँ पे काफी ऊपर में हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नीचे नीचे का स्लोपिंग कितनी कितना डीप स्लोपिंग है यहाँ पे, काफी डीप स्लोपिंग नजर आ रहा है यहाँ से। देखिए वहाँ दूर में एक दो बाइक वाले भी जा रहे हैं, देखिए कितने छोटे नजर आ रहे हैं वो। वो देखिए यहाँ पे हम लोग काफी ऊपर हैं यहाँ पे। रूल तो अभी हम लोगों ने ब्रेक कर ही दिया है भाई, क्या किया जा सकता है, आप लोगों के लिए इतना किया है। थोड़ी हालत खराब हो रही है ऊपर चढ़ने में वैसे, लेकिन फिर भी कोई ना, सब सही है। तो अभी हम लोग नीचे उतरने की तैयारी में हैं।
तो रिंकू भाई, अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने पर काफ़ी अवस्था ख़राब हो गया था हम लोगों का। अब सही है ना? थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। अब जा रहे हैं नून रोटी खाने। तो भाइयों, हम लोगों का पिकनिक ओवर हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि अब सनसेट होने वाला है। तो हम लोग अब पैकिंग कर रहे हैं जाने की, वापस घर के ओर। ये है डैम का पिछला हिस्सा, यहाँ से भी पानी सप्लाई की जाती है। अच्छा, ये है डैम का निचला हिस्सा और जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। और यहाँ पे अभी हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पे आज किसी ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे पुलिस भी आई हुई है। हेलो।